तो अभी काम तो करा लिया हमने गाड़ी का, और भाई पीछे वाली लाइट देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। मतलब अभी अपने एरिया में चल रहा है मेट्रो का काम, ये जैसा कि आप देख सकते हो, इस वजह से यहाँ पर बड़ा जाम वाम सा रहता है। वैसे भी बहुत ट्रैफिक रहता था, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक बार जरा मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, जब तभी जा करके यहाँ पर थोड़ी सुकून मिलेगा। उससे पहले तो पी कार्स में निकलो ही मैं, सामने खड़ी हुई है पुलिस, तो कैमरा नीचे कर देते हैं और मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि व्लॉग थोड़ी देर बाद हो जाएगा लेकिन चलान तुरंत हो जाएगा अभी, अगर इन्होंने देख लिया बिना मास्क। हाँ तो भाई, क्या हाल है सबके? तो आज का सीन कुछ ऐसा है अपना कि आज अपन जा रहे हैं क्रेटा लेके, और गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवानी है, क्योंकि जब से गाड़ी ली है ना भाई, नैनीताल हुआ है भाई, मनाली फैमिली के साथ हुआ है, लेकिन अभी तक गाड़ी में जो सबसे ज़रूरी काम थे वो दो तो मैंने करवाए नहीं, और वो करवाने बहुत ज़रूरी थे, तो बहुत ख़तरनाक वाली मॉडिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत जो ज़रूरी मॉडिफिकेशन है जो मुझे अच्छी लगती है क्रेटा में, वो मुझे करवानी थी और वो मैं करवा नहीं पाया काफ़ी टाइम से, थोड़ा बिजी भी था और आलस भी कर रहा था जाने से, लेकिन आज मेरे को टाइम मिल गया जाने का, तो अपन चलते हैं अभी और मॉडिफाई करवाते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें लगवाते हैं बढ़िया बढ़िया, और मैं आपको दिखाऊँगा और प्राइसेस भी बताऊँगा साथ में, अगर आप लगवाना चाहते हो, अगर किसी ने नई क्रेटा ली है तो करवा लेना, हो सकता है आपको भी अच्छी लग जाए। मेरे को तो बड़ी पसंद आती है वो सब चीज़ें जो गाड़ी में एक अलग ही लुक देती हैं, तो वो चीज़ें करवानी है, और अभी जा रहे हैं, बस निकला हूँ घर से, और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है यार, मतलब वैसे दिल्ली में ठंड आ चुकी है, जैकेट से पता ही लग रहा होगा। ये जूतों से एकदम खुरच गया था, इसको निकलवा के रख दिया। और अभी हमने लगवा लिए ये 70 मैट, अब ये कम से कम ये है कि रिलायबल हैं और वैल्यू फॉर मनी भी है, ये चारों तरफ लगवा लिए। तो अभी काम तो करा लिया हमने गाड़ी का, और भाई पीछे वाली लाइट देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब खतरनाक लुक दे रही है ये तो, इतनी लंबी ऐसे स्ट्रिप लग गई है वो देखने में अलग ही लुक दे रही है, और ऊपर से ब्लैक है भाई, ब्लैक का तो अलग ही लुक आता है लाइट का। तो अभी बस निकल रहा हूँ मैं, और इसकी मतलब दो तीन चीज़ें हैं उस वाली लाइट में जो देखने में बड़ी मस्त लग रही है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और प्राइसेस वगैरह भी बता दूंगा अगर किसी को लगवानी है तो। ऐसे तो दो ही चीज़ें करवाई हैं और यही दो चीज़ें मेन थी करवाने के लिए, तो बस अभी चल रहे हैं, अभी चल के दिखाता हूँ आपको कैसी लाइटें लगी हैं और कैसी लग रही हैं देखने में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ जो मैंने अभी लगवाई है गाड़ी में, और अपने को ज़्यादा करवानी नहीं थी, जो ज़रूरत की होती है वही करवाई थी, और एक देखने में अच्छी लग रही थी वो लाइट, वो करवाई थी। ये हमने मैट लगवाए हैं इसमें, और ये मैट पहले जो लगे हुए थे, अभी थोड़ी गंदी हो रही है गाड़ी, लेकिन ये वाले हमने मैट लगवा लिए, 7D मैट लगे हैं ये, और ये चारों तरफ लगवा लिए, ये लगवाने बहुत ज़रूरी थे, पीछे भी लगवा लिए मैंने, ये पड़ी हुई है स्ट्रिप, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जो नई लाइट फिट हुई है इसकी जगह, और यहाँ पर ये सेंटर में भी लग गए हैं तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से इसमें लाइनिंग भी है, ये इस साइड से भी देख लो बढ़िया लग रहे हैं, ये इधर से जहाँ पैसेंजर बैठते हैं उस साइड से भी बढ़िया लग रहा है देखने में, और ये ऊपर से जो इसमें लगा हुआ है ये हट भी जाता है यहाँ से, ये इसमें ये ऐसे निकल जाता है और उसके बाद अपन लगा भी सकते हैं, तो ये मेरे को चारों मिला के पड़े थे 1500 के, वैसे वो बोल रहा था 1600, लेकिन मैंने बोला यार 1500 ही रख ले, तो 1500 में ये चारों मैट लगवा लिए। अब मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, तो ये वाला एंगल अब सही आ रहा होगा, तो ये वाली जो स्ट्रिप है हमने ये लगवाई है पूरी, और ये यहाँ से लेके
और यहाँ तक है, पूरी लंबी स्ट्रिप लगवा ली मैंने, मतलब पूरी पीछे वाली जो थी वो चेंज ही करवा ली, और ये पूरी स्ट्रिप मिला के मेरे को पड़ी है 3800 रुपये की, और कश्मीरी गेट से मैंने ये लगवाई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ही मार्केट है पूरी, कहीं भी चले जाना सबके ऑलमोस्ट सेम रेट ही होते हैं। तो ये मेरे को पड़ी कुछ 3800 रुपये की, और 500 रुपये लेबर वाले ने ले लिया, तो 4300 रुपये की ये लग गई। इसकी फिटिंग उन्होंने बड़ी सही करी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये सारी लाइटें जल रही हैं क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने वाला है, तो हेडलाइट ऑन है गाड़ी की, तो हेडलाइट में ये यहाँ से मैच कर जाएगी, तो देखने में बड़ी मस्त लग रही है यार ये। और अभी मैं इसके इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ, तो अभी इंडिकेटर ये जब लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन किया है तो ऐसी लग रही है देखने में। राइट वाले इंडिकेटर में भी वही सेम है, ये फ्लोटिंग जो होती है ना ऐसे लाइट, ये बड़ी प्यारी लगती है देखने में, इसलिए मैंने लगवाई थी। और अभी इसके जब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब ब्रेक मारते हैं गाड़ी के, तो ब्रेक मारते टाइम भी फ्लोट होती है पूरी, वो भी एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखने में बड़ी मस्त लगती है ब्रेक मारते टाइम, और पार्किंग की एक बार ऑन करके और चेक करा देता हूँ। तो अभी ये मैंने पार्किंग लाइट ऑन करी हुई है जो चारों आगे से भी और पीछे से भी चालू होती है, ये ऐसे जो फ्लोटिंग है ना ये फ्लोटिंग की वजह से ही लगवाई है, एक कि चलाते टाइम रात में बड़ा अच्छा लुक आता है इसका। मैंने सोचा थोड़ा लो लाइट हो जाए तब दिखाऊं, जैसे कि लाइट अच्छे से निकल गया है। तो ये ऐसे देखने में बड़ी मस्त लगती है, अगर साइड से इसको ऐसे देखें ये फ्लोट होती हुई बड़ी सेक्सी लगती है देखने में, मतलब पूरी फ्लोट होके आती है और इससे मैच कर जाती है तो वो अलग ही लुक आता है देखने का। अब ज़रा पार्किंग वाली लाइट बंद कर देते हैं। तो ये मतलब कि लाइट मेरे को बहुत पहले से लगवाने की मैंने सोची हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था लगवाने का और कुछ आलस भी था, मैंने बताया था आपको, तो ये लगवा ली है और बड़ी मस्त लग रही है। वायरिंग जितनी भी उन्होंने करी है अंदर से ही करी है, ये मॉडिफिकेशन करानी है और ज़रूरी थी। ये लाइट मैंने जितने भी लोगों की लगी देखी है ना बड़ी मस्त लगती थी, और नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा थोड़ा हिसाब है तो अभी करवा लेते हैं, कल हिसाब नहीं रहा तो ये चीज़ भी रह जाएगी। अभी क्रेटा मैंने यहाँ खड़ी करी है, i10 वहाँ खड़ी है, पहले अंदर से वहाँ एक अंकल हैं साइड वाले, उनकी ऑल्टो निकलेगी बाहर, उसके बाद क्रेटा जाएगी पार्किंग के अंदर, और फिर उसके बाद अंकल की गाड़ी लगेगी क्योंकि अंकल को सुबह निकलना है जल्दी। तो भाई यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, कम से कम ये है फरीदाबाद शिफ्ट होने के बाद पार्किंग की दिक्कत तो नहीं रहेगी, गाड़ी आराम से कभी भी निकाल सकते हैं। सो द मॉडिफिकेशन इज़ डन नाउ, और अब भाई जहाँ से भी गाड़ी लेके निकलेगा ना पीछे से लाइट देख के सब कहेंगे भाई क्या लाइट लगवाई है आपने। तो आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग हियर, अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना भाई अपना, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो ये वाला एंगल सही लग रहा होगा, तो यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ ये वाली पूरी। फिर से मैंने थोड़ा सा सर कट गया, सॉरी, फिर से तो कटने दो। आपको भी लगता होगा ना हमेशा ट्रैफिक की बात करते रहते हैं, अरे मैं दोस्तों से पहले भी डिस्कस किया हुई थी दो तीन चीज़ें, तो बंदे बोलेंगे यार आपने क्रेटा तो ले ली लेकिन मॉडिफिकेशन तो उसमें करवाई नहीं, कब करवाओगे विनय भाई, कब करवाओगे।